टेलीविज़न को टीवी क्यों कहते हैं, और एक ऐसा बिली जिसके इंस्टा पे 500 के प्लस फॉलोअर मौजूद हैं, और हुंडई कंपनी ने सेल्समैन के रूप में कुत्ते को क्यों रखा है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज के टाइम पर लगभग सभी देशों में मैकडोनल्ड्स मौजूद है, लेकिन आइसलैंड ही एक ऐसा देश है जहां कहीं भी आपको मैकडोनल्ड्स का रेस्टोरेंट देखने नहीं मिलेगा। वहां पे मैकडोनल्ड्स का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। दी वर्ल्ड बिगेस्ट लॉयर कंपटीशन करके एक प्रतियोगिता होता है जो इंग्लैंड के कम्ब्रिया सिटी में हर साल कराया जाता है, और इस प्रतियोगिता में जो जितना रियल दिखने वाला झूठ बोलेगा वही विजेता होगा। और इस कॉन्टेस्ट में पॉलिटिशियन और लॉयर का भाग लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि इन्हें टू गुड लॉयर माना जाता है। ये बहुत अच्छे तरीके से झूठ बोल लेते हैं, इसलिए इनको उस कॉन्टेस्ट में एंट्री नहीं मिलती। आप लोग जो मोमेंट वर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि क्या वो मोमेंट था, ऐसे करके जब भी आप कहीं भी मोमेंट वर्ड का प्रयोग करते हो तो इसी मोमेंट इसी समय को टेक्निकली देखा जाए तो इसी मोमेंट वर्ड का जो ड्यूरेशन होता है वो 90 सेकंड का होता है। जैसे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं, वैसे ही 1 मोमेंट इज इक्वल टू 90 सेकंड। जैसा कि हम लोग टेलीविज़न को शॉर्ट में टीवी कहते हैं, तो यही शॉर्ट नेम यानी टेलीविज़न का टीवी पहली बार साल 1948 में कहना शुरू हुआ था। इससे पहले टेलीविज़न को सिर्फ टेलीविज़न ही कहते थे, इसका कोई भी शॉर्ट नेम नहीं था। आज मैं आपको जो फैशन डिजाइनर होते हैं उनके एक सीक्रेट को बताने जा रहा हूँ। आप जब भी कोई ड्रेस पहनते हो तो हमेशा उसी कलर का बेल्ट पहनना जो आपके सूट के कलर की हो। इससे आपकी लुक और भी ज्यादा इन्हेंस हो जाएगा और आप और भी ज्यादा कूल दिखेंगे। जिस कलर का सूट पहने हैं उसी कलर का बेल्ट पहनिएगा। लोकी नाम की एक बिल्ली है, और ये कोई ऐसी वैसी बिल्ली नहीं है। इस बिल्ली का इंस्टाग्राम अकाउंट है और उस पे करीब 500 के फॉलोअर्स मौजूद हैं। और इस बिल्ली के ऐसे दांतों की वजह से इसे वैम्पायर कैट के नाम से भी जाना जाता है, और इंस्टाग्राम पे बहुत ही फेमस है। हुंडई जो कार कंपनी है, तो इस कंपनी ने अगस्त 2020 में एक कुत्ते को शोरूम में सेल्समैन के काम पे रखा था। जी हाँ, आपने सही सुना, सेल्समैन के काम पे रखा था। और इस कुत्ते को टक्सन प्राइम नाम दिया गया था, और ये कंपनी इस कुत्ते के लिए अलग से इकाई कार्ड भी बनाया था। टर्की में यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपके दाएं हाथ में खुजली हो रही है तो आपको कहीं से पैसे आने वाले हैं, लेकिन आपके बाएं हाथ में खुजली हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि आपसे कोई पैसा मांगने के लिए आने वाला है। और ये वहाँ की बहुत ही पुरानी परंपरा है जिसे आज भी सच मानते हैं। रशिया लैंड वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, ये तो आप जानते होंगे, पर कितना बड़ा है आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस कंट्री के एक भाग में दिन होते हैं तो दूसरे भाग में रात। एक ही दिन दो अलग अलग लोकेशन पे डे और नाइट होती हैं। जैसे इसी के एक भाग में दिन होगा तो दूसरे भाग में रात। इतना बड़ा देश है। जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि फिजिकली डिसेबल्ड लोग चल नहीं पाते, तो इनके लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी व्हील चेयर का इन्वेंशन पहली बार 1665 में हुआ था, जिसे स्टीफन फॉलर नाम के एक 22 ईयर्स के व्यक्ति ने किया था, जो पहले घड़ी बनाने का काम किया करते थे। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।